हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पिंडाधार। इस शरीर का आधार क्या है, इसकी बात इसमें कही गई है। तो ये बताया गया है कि कुल और अकुल दो प्रकार की शक्तियां हैं। ये दोनों ही दोनों की जो समरसता है वो कुल सृष्टि में सहायक है। कलाकल की जो समरसता है वो कुलाकुल, सॉरी कलाकल नहीं कुलाकुल, कुलाकुल मतलब कुल और अकुल की समरसता। जब ये दोनों एक ही हैं, अद्वैत हैं, लेकिन फिर भी जब द्वैत अवस्था है तो द्वैत अवस्था में हमको इनका अस्तित्व अलग अलग दिखता है। तो जब इनकी समरसता है, दोनों जब एक हैं तो ये कुलाकुल शक्तियां हैं और जो कुल शक्ति है इसकी वो सृष्टि में सहायक है, द्वैत है। और अकुल जो महाप्रलय में अवस्था युक्त कहलाती है, अद्वैत है। एक द्वैत है, जो कुल शक्ति है वो द्वैत है और सृष्टि में सहायक है, वो सृष्टि करती है उसमें सहायक है। और जो अकुल है वह महाप्रलय में अवस्था युक्त कहलाती है, उस समय अकुल शक्ति होती है। तो जो ये कुल और अकुल शिव शक्ति जो अभेद अवस्था ही समरसता है। तो जो समरसता क्या है, समरसता वो अवस्था है जहाँ कुल और अकुल दोनों शक्तियां एक हो जाती है, सम हो जाती है, दोनों में कोई भेद नहीं रहता, दोनों ही अद्वैत हो जाती है, वो अवस्था समरसता है। जब साधक शिव और शक्ति का मिलन करता है, कुंडलिनी को सहस्रार चक्र में ले जाता है, तो वह शक्ति और शिव की का जो समरसता भाव है, मतलब उस पर शक्ति और शिव दोनों एक हो जाते, वो एक होना ही समरसता है। तो कुल और अकुल दो शक्तियां हैं और जब दोनों एक हो जाती हैं तो वह समरसता का भाव। जो कुल शक्ति है वो परा है, सत्ता है, अहंता है, स्फूर्ता है, कला है, उसमें पांच गुण हैं। अकुल शक्ति में जाति, वर्ण, गोत्र आदि समस्त निमित्तों से रहित अकुल शक्ति ही अवशिष्ट रह जाती है। मतलब प्रलय काल में यही एक शेष रह जाती है और किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता है। यह पराशक्ति समस्त भेदों से रहित होने के कारण अखंड, अद्वैत, अनन्य, निधर्म, नाम एवं रूप से भी अतीत कही जाती है। यह आदिनाथ की आज्ञाकारिणी शक्ति है। जो आदिनाथ परमात्मा है उसकी आज्ञाकारिणी शक्ति अकुल है। शिव एवं शक्ति का नित्य संबंध है। व्यावहारिक प्रपंचावस्था में वह अनेक रूपों में दृश्यमान होता है, किंतु अंत में वह अखंड स्वरूप को प्राप्त होता है। वे अपने रूप से परे से भी परे हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, सर्वव्यापक हैं, रुद्र विष्णु आदि रूपों में अवतरित होने में सामर्थ्यवान है। परापर स्वरूपा कुंडलिनी सिद्धों के शरीर में है, अतः इसके प्रभाव से योगी काय सिद्ध के रूप में प्रख्यात होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो कुल और अकुल शक्तियां हैं, जो पिंड का आधार है, पिंड का आधार कुल और अकुल शक्तियां हैं। एक द्वैत है, एक अद्वैत है। दोनों प्रलय काल में, सृष्टि काल में दोनों अलग अलग है और प्रलय काल में दोनों एक ही हैं। तो ये माना गया है कि जो योगी है, जो साधक है, उसके शरीर में परापर स्वरूपा कुंडलिनी है और वो सिद्धों के शरीर में रहती है। जो सिद्ध योगी होते हैं उनके शरीर में वो रहती है। तो इसलिए जो सिद्ध योगी होता है वो सभी चीज का ज्ञान कर लेता है। तो इसलिए कुंडलिनी की भी चर्चा की गई है, क्योंकि यहाँ कुंडलिनी जागरण की बात कही गई है। तो कुंडलिनी क्या है, इसके बारे में बताया गया है। कुंडलिनी एक शक्ति है जिसके दो रूप है, दो प्रकार है, प्रबुद्ध और जागृत। प्रबुद्ध अवस्था में वह जो प्रबुद्ध अवस्था है प्रबुद्ध या जागृत अवस्था, एक सुप्त अवस्था। तो प्रबुद्ध अवस्था में वह ज्ञानवान होती है, जागृत होती है, और जो अप्रबुद्ध अवस्था होती है वह सुप्त अवस्था में रहती है,
सामान्य लोगों में, सामान्य व्यक्तियों में यह सुप्त अवस्था में ही रहती है। इसलिए चिंता, भय, क्रोध, लोभ, मोह ये सामान्य जीवों में पाया जाता है, और जिसकी कुंडलिनी जाग जाती है वह उसका उदाहरण हो जाता है। तो सामान्य व्यक्तियों से जो विपरीत गुण है, जो नकारात्मक अगर सामान्य व्यक्तियों में, तो सकारात्मक गुण उन व्यक्तियों में पाए जाते हैं जिनकी कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। तो इसलिए जो साधना में इसके जागरण की बात कही गई है कि कुंडलिनी जागरण ही शिव को शक्ति को, जो कुंडलिनी जागरण है, जो शक्ति है, कुंडलिनी जागरण से ही शक्ति शिव को प्राप्त कर सकती है। कुंडलिनी के भेद, कुंडलिनी के तीन भेद बताए गए हैं, अधा शक्ति, मध्यम शक्ति और ऊर्ध्व शक्ति। अधा शक्ति उसका स्थान मूलाधार है और बाह्य इंद्रिय कर्म की चिंता भूत से यह शक्ति मूलाधार में सुप्त अवस्था में रहते हैं, क्योंकि बाह्य आकर्षण होता है, बाहर की तरफ इसका आकर्षण होता है, तो इसलिए यह मूलाधार में इसका स्थान है। और जब इसे जगाया नहीं जाता तब तक साधक आंतरिक चिंता आदि से ग्रस्त रहता है। अतः मूलाधार बंध के अभ्यास से इसे जगाया जा सकता है। अगर मूलाधार बंध का अभ्यास करें तो इस शक्ति को, सुप्त शक्ति को, अधा शक्ति को जगाया जा सकता है। मध्य शक्ति, इसका स्थान मणिपुर है। यह शक्ति चित्त रूप होने के कारण जीवात्मा की वास्तविक, जीवात्मा का वास्तविक रूप है। अविद्यावश में संसार बंधन में आसक्त जीवात्मा को यह शक्ति स्वकीय चित्त रूप प्रकाश में धारण करने में सदा समर्थ है। अतः यह स्थूल तथा सूक्ष्म दो प्रकार की है, इसका सम्यक ज्ञान योगियों को होता है। जो योगी लोग हैं इसका वो साक्षात कर सकते हैं और इसका ज्ञान उनको होता है, सामान्य व्यक्तियों को नहीं होता। ऊर्ध्व शक्ति, इसका स्थान सहस्रार है। समस्त विषय प्रपंच से ऊपर विद्यमान रहने से ये परम पद ऊर्ध्व स्थान, ऊर्ध्व शक्ति इसको कहा जाता है। उस परमात्मा की स्वरूपाभ्यक्ति शक्ति ऊर्ध्व शक्ति ये कहलाती है। यह द्वैत का नाश कर अद्वैत भाव को प्रतिष्ठित करती है, अर्थात ऊर्ध्व शक्ति जो द्वैत भाव है उस द्वैत भाव को अद्वैत में, जब इसका जागरण होता है तो साधक अद्वैत का भाव, मतलब मैं ही वह सत्य हूँ, मैं ही वह तत्व हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का जो अनुभव करता है इसके जागरण से ही करता है, इसलिए इसको अधोशक्ति कहा गया है। यह लेसन थोड़ा सा छोटा है, इसमें इतनी चर्चा की गई है कि धन्यवाद।